पिछले कई महीनों से केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और ट्विटर ने इस बाबत कानूनी संरक्षण लिया हुआ था, लेकिन अब भारत में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को मिला कानूनी संरक्षण खत्म हो गया है। ट्विटर को ये कानूनी संरक्षण आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिला हुआ था। ये धारा ट्विटर को किसी भी कानूनी कार्रवाई, मानहानि या जुर्माने से छूट देता था। कानूनी संरक्षण खत्म होते हुई ट्विटर के खिलाफ पहला मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दर्ज किया गया है। ट्विटर के खिलाफ ये केस बुजुर्ग से मारपीट के बाद फर्जी वीडियो के वायरल होने के बाद दर्ज किया गया। पुलिस ने इस मामले में ट्विटर के अलावा 9 लोगों पर भी केस दर्ज किया है। ये वही मामला है जिसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आवाज उठाई थी। बता दें कि ट्विटर का कानूनी संरक्षण खत्म होने को लेकर केंद्र सरकार ने कोई भी आदेश जारी नहीं किया। ये कानूनी संरक्षण अपने आप खत्म हुआ है। खबरों की माने तो कानूनी संरक्षण खत्म होने के बाद ट्विटर ने कहा है, हम आईटी मंत्रालय को प्रक्रिया से अवगत करा रहे हैं। हमने अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी को बरकरार रखा है और इसका विवरण जल्द ही सीधे मंत्रालय के साथ साझा किया जाएगा। ट्विटर नए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। हालांकि ट्विटर ने शिकायत अधिकारी का विवरण अभी तक नहीं किया। गौरतलब है कि ट्विटर ने सरकार के सोशल मीडिया नियमों के तहत अपने मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति और शिकायत अधिकारी का विवरण अभी तक सरकार से साझा नहीं किया है। अब ट्विटर के खिलाफ पहला मामला तो दर्ज किया गया है, आगे देखना होगा कि और कितने मामले दर्ज होते हैं। वैसे तो ऐसे कई ऐप हैं जो कई देशों ने अपने यहाँ बैन किए हुए हैं, तो क्या ट्विटर को लेकर भारत में भी ऐसा हो सकता है? ये सवाल हर सोशल मीडिया यूजर के मन में है। यहाँ ये भी बताते हैं कि भारत में ट्विटर का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों लोग हैं, तो अगर ट्विटर बैन होता है तो इसका कैसा असर होगा, क्या असर होगा, ये अभी कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।